और इस वक्त आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस की एसटीएफ की टीम ने महानगर कोलकाता के टंगरा इलाके से 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गौर हो कि कोलकाता पुलिस को खुफिया विभाग से जानकारी मिली थी कि दो लोग टंगरा इलाके से करोड़ों का ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और एसटीएफ की टीम खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों को एक एक किलो से ज़्यादा एम्फेटामिन और मेथाकालोन समेत कुछ अन्य ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में राजस्थान के झालावर निवासी 36 वर्षीय अमजद खान और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला निवासी 46 वर्षीय पीयूष मंडल उर्फ निधु शामिल है। कोलकाता पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C, 22C, 29 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वही पुलिस यह भी पूछताछ कर रही है कि इस ड्रग्स का तार कहां तक जुड़ा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। वहीं आज इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। और इस वक्त आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस की एसटीएफ की टीम ने महानगर कोलकाता के टंगरा इलाके से 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गौर हो कि कोलकाता पुलिस को खुफिया विभाग से जानकारी मिली थी कि दो लोग टंगरा इलाके से करोड़ों का ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और एसटीएफ की टीम खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों को एक एक किलो से ज़्यादा एम्फेटामिन और मेथाकालोन समेत कुछ अन्य ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में राजस्थान के झालावर निवासी 36 वर्षीय अमजद खान और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला निवासी 46 वर्षीय पीयूष मंडल उर्फ निधु शामिल है। कोलकाता पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C, 22C, 29 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वही पुलिस यह भी पूछताछ कर रही है कि इस ड्रग्स का तार कहां तक जुड़ा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। वहीं आज इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। और इस वक्त आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस की एसटीएफ की टीम ने महानगर कोलकाता के टंगरा इलाके से 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गौर हो कि कोलकाता पुलिस को खुफिया विभाग से जानकारी मिली थी कि दो लोग टंगरा इलाके से करोड़ों का ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और एसटीएफ की टीम खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए दो लोगों को एक एक किलो से ज़्यादा एम्फेटामिन और मेथाकालोन समेत कुछ अन्य ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में राजस्थान के झालावर निवासी 36 वर्षीय अमजद खान और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला निवासी 46 वर्षीय पीयूष मंडल उर्फ निधु शामिल है। कोलकाता पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C, 22C, 29 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वही पुलिस यह भी पूछताछ कर रही है कि इस ड्रग्स का तार कहां तक जुड़ा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। वहीं आज इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाती बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत करें। आप भी बन सकते हैं हमारे चैनल के रिपोर्टर। अगर आपकी खबर सच्ची और पक्की है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हालात बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। जय हिंद।